हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस दिस इलेक्ट्रिक में आप सभी लोगों की स्वागत होता है। तो देखिए, आज हम दिखाएंगे एक एसी स्टेबिलाइजर हम रिपेयर करके लाए हैं, उसको इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये आप लोगों को दिखाएंगे आज। तो देखिए, ये जो काम अभी चल रहा है, ये एसी का जो टॉप होता है ना, वो स्टेबिलाइजर की वायर से कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए एसी का टॉप का जो वायर है, सॉरी स्टेबिलाइजर का जो वायर है वो टॉप में कनेक्शन किया जा रहा है। ये अर्थ का पोल है, तो हमने तीनों पोल को ठीक से कनेक्शन कर लिया है। अभी टॉप में लगाने की बारी है, तो देखिए हम लोग ठीक से लगा भी लिया है। अभी जो स्टेबिलाइजर है, देखिए इसका कनेक्शन, आउटपुट का जो कनेक्शन निकलता है वो ये यहाँ से निकलता है। तो दिखाएंगे कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो देखिए, पहले है एल मतलब लाइन, उसके बाद आता है न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल, और उसके बाद आता है अर्थिंग, जो बॉडी अर्थिंग कहा जाता है। तो यही बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। ठीक है, एसी का जो लाइन का वायर है लाल वाला, वो लगेगा इसमें, और जो न्यूट्रल का वायर है वो लगेगा इसमें जहाँ पर N लिखा हुआ है। तो पहले मैं लाइन को दे देता हूँ, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल को भी दूंगा और अर्थ को भी दूंगा, बस कनेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल है ये कनेक्शन। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का कॉन्टेंट आपको बार बार मिलते रहेंगे दोस्तों। ओके, तो देखते जाइए ये स्टेबिलाइजर का जो कनेक्शन है वो हम बहुत ही इजी तरीके से बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, यही हमारा कामना है। ठीक है, तो देखिए अभी हम जो इसका जो कवर है उसको नट से लगा लेंगे, टाइट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते जाइए दोस्तों और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब अब ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए हमारा जो कनेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो स्टेबिलाइजर है उसको वॉल में हैंगिंग करने की बारी है। तो देखिए ये क्लिप से हैंगिंग होता है, इसीलिए बहुत ही इजी है, क्लिप से हैंगिंग किया जाता है। देखते जाइए दोस्तों, दो क्लिप से है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए अभी हो चुका है, अभी हो ही चुका है देखिए। और इसके बाद एसी का जो पावर है वो हम दे देंगे, स्टेबिलाइजर का जो पावर है, उसके बाद आउटपुट भी देगा। ये देखिए टाइमर पे है, दो आउटपुट भी दिखा दिया। ठीक है, अभी एसी को ऑन करके देख लेंगे। तो देखिए मैं बॉडी से ही ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए एसी भी ऑन हो चुका है, अभी इसमें से एयर जो है निकलेगा, उसके बाद कंप्रेसर पकड़ेगा तो ठंडा हवा भी निकलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक स्टेबिलाइजर को इंस्टॉल किया जाता है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए।